Bobby. Hey, Pooh. Whatever. Movie tonight? Tell me how it was. हेलो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको ये करीना कपूर का इतना फेवरेट डायलॉग व्हाटएवर क्यों दिखाया है, क्योंकि आज का जो लेसन है वो इसी डायलॉग से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो जल्दी इसे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आप तक मेरी वीडियोस सबसे पहले पहुंच सके। So, मैं रिया खन्ना आपके लिए लाई हूँ आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ सबसे इंटरेस्टिंग और कॉमन कॉन्सेप्ट जो कि इंग्लिश का है, और ये कॉन्सेप्ट है कम व्हाट मे। तो मैं आपको बताती हूँ ये लाइफ में आप यूज कैसे करते हैं। बहुत बार अपनी जिंदगी में जब आप किसी चीज को करने के लिए ठान लेते हैं या आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, या कई बार ऐसे कि आपको किसी भी चीज का रत्ती भर भी इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता है, तो आप बोलते हैं जो मर्जी हो जाए। इसको ग्रामेटिकली इंग्लिश में इस कॉन्सेप्ट के नाम से जाना जाता है कम व्हाट मे। तो आप बोलते हैं कम व्हाट मे। तो चलिए सीखते हैं कि कम व्हाट मे को सेंटेंसेस में किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है। तो फर्स्ट सेंटेंस है, इंडिया विल विन द मैच Come what may, India will win the match. Come what may, India तो मैच जीत के रहेगा चाहे जो मर्जी हो जाए। बहुत सारे इंडियन लवर्स जब मैच देखते हैं, खास करके इंडिया का पाकिस्तान के साथ हो या श्रीलंका के साथ हो या स्कॉटलैंड के साथ हो, तो उनको ऐसा लगता है कि जो मर्जी हो जाए इंडिया तो मैच जीत के ही रहेगा। तो इस सेंटेंस में भी हमने कम व्हाट मे का यूज किया है, इंडिया विल विन द मैच कम व्हाट मे, इंडिया मैच जीत के रहेगा चाहे जो मर्जी हो जाए। लेट्स लुक एट द सेंटेंस नंबर टू। आजकल के बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं वो कनाडा जाने के लिए डेस्परेट हैं। बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स खास करके फॉरेन के एक ही डेस्टिनेशन में जाना चाहते हैं, वो है कनाडा। सो बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स को बोलते हैं और अपने टीचर्स को बोलते हैं कि मैं कनाडा जाऊंगा चाहे जो मर्जी हो जाए। तो सेंटेंस रहा ये, I will go to Canada, come what may. I will go to Canada, come what may. मैं कनाडा जाऊंगी चाहे जो मर्जी हो जाए। Let's look at the sentence number three. ये मेरा favorite sentence है। चाहे जो मर्जी हो जाए मैं आपको English सिखा के रहूंगी। I am damn sure कि अगर आप मेरा channel देखते हैं, मेरी videos देखते हैं, assignment करते हैं, तो आपको English जरूर आएगी और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको एक्स्ट्रा पैसे खर्चने की जरूरत है इंग्लिश क्लासेस लेने के लिए। तो सेंटेंस है ये, आई विल टीच यू इंग्लिश कम व्हाट मे, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगी कम व्हाट मे चाहे जो मर्जी हो जाए। मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगी चाहे जो मर्जी हो जाए, आई विल टीच यू इंग्लिश कम व्हाट मे। नंबर फोर सेंटेंस रहा ये, शी विल मैरी हिम कम व्हाट मे, वो उससे शादी करके रहेगी चाहे जो मर्जी हो जाए। अक्सर आपने पड़ोसियों में आपने ये बातें सुनी होंगी, जब लेडीज जो है किसी लड़की को किसी लड़की के साथ घूमते हुए देखती हैं तो वो ये अक्सर बोलती हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए ये लड़की उस लड़के से शादी करके रहेगी। शी विल मैरी हिम कम व्हाट मे। सेंटेंस नंबर फाइव, कम व्हाट मे आई विल नॉट स्पेयर हिम, चाहे जो मर्जी हो जाए मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। ये डायलॉग बहुत सुना सुना है, अक्सर बॉलीवुड मूवीज में ये डायलॉग बोले जाते हैं, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं चाहे जो मर्जी हो जाए। सो कम व्हाट मे आई विल नॉट स्पेयर हिम। सेंटेंस नंबर सिक्स, बच्चों को अक्सर आपने जिद करते हुए सुना है, बच्चे बहुत ज्यादा अपने पेरेंट्स से इस तरह बोलते हैं, मैं ये करूंगा चाहे जो मर्जी हो जाए। तो मैं ये करूंगा, आई विल डू इट कम व्हाट मे, आई विल डू इट कम व्हाट मे। सेंटेंस नंबर सेवन, पैसे की बात हो तो अक्सर हम किसी की सुनते नहीं, और खास करके पैसे वापस करने हो तो सवाल ही नहीं बनता। तो ये रहा सेंटेंस, आई विल नॉट पे द मनी बैक कम व्हाट मे, मैं पैसे वापस नहीं करूंगी चाहे जो मर्जी हो जाए। सेंटेंस नंबर एट, लड़के लड़कियों का झगड़ा हो जाए, खास करके किसी कपल का झगड़ा हो जाए, तो ये डायलॉग बहुत ज्यादा कॉमन है, अब से मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी चाहे जो मर्जी हो जाए। आई विल नॉट सी योर फेस नाउ कम व्हाट मे, आई विल नॉट सी योर फेस नाउ कम व्हाट मे। सेंटेंस नंबर नाइन, I will not apologize come what may.
जो लोग बहुत ज्यादा अकड़ में रहते हैं वो अक्सर ये कहते हैं कि माफी मैं तो नहीं मांगूंगी चाहे जो मर्जी हो जाए, आई विल नॉट अपोलोजाइज कम व्हाट मे। हम पहुंच चुके हैं अपने लास्ट सेंटेंस पे, वो उसे किसी भी हाल में जीतने नहीं देगी चाहे जो मर्जी हो जाए। शी विल नॉट लेट हिम विन कम व्हाट मे, शी विल नॉट लेट हिम विन कम व्हाट मे। सेंटेंसेस की फॉर्मेशन में एक चीज ध्यान देने वाली है कि कम व्हाट में अगर स्टार्ट में लगता है तो कॉमा आएगा मे के बाद, और कम व्हाट में अगर एंड में लगता है तो कॉमा आएगा कम के पहले। सेंटेंसेस सीखने के बाद आपको क्लियर हो गया है कि कम व्हाट में का कॉन्सेप्ट आपकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है और कितना ज्यादा कॉमन है। तो चलिए इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो ये रहा आज का असाइनमेंट। असाइनमेंट ये है कि आपको 5 सेंटेंस बनाने हैं कम व्हाट में के ऊपर, और ये 500 सेंटेंस आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में नीचे टाइप करने हैं। ऑल दीज सेंटेंसेस विल बी इवैल्यूएटेड बाय मी एंड द फर्स्ट वेरी कमेंट विल बी पिन्ड बाय मी। एंड आई विल सी यू सून नाउ इन माय नेक्स्ट लेसन। टिल देन यू टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।